देखिए दुनिया में हजारों स्किल है। कोई कहता है मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल सीख लो, लेकिन मैं कहता हूँ एक ऐसा स्किल जिसे आप सीखने के बाद आपके लाइफ में, मार्केटिंग में, जॉब्स में, कहीं भी आप कामयाब हो सकते हैं। वो एक पावरफुल स्किल, सॉफ्ट स्किल, उस स्किल का नाम पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं किसी ने सही कहा है, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। सही में एक ही बीमारी है। आप देख लिए, लोग आपस में मिलने जुलने से डरते हैं, आपस में बातचीत करने से डरते हैं, लोग स्टेज पे जाने से डरते हैं। वो डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी के SEO से बात करने में हमें चाहिए कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? जब तक हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल सही से नहीं सीख लेंगे तब तक नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी हमारे लिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल। पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने के बाद हम एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, हम समाज में जाके अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू देने में हम अच्छे से बात कर सकते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल को सीख लेना चाहिए। और पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप एक यूट्यूबर है, कुछ भी है, टीचर है, सबको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे वीडियो बनाने में 2 से 3 वीडियो बनाया, उसके बाद मेरे पांचवा वीडियो बन रहा, तो ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होकर सही बनेगा। उसी तरह मैं जितनी भी वीडियो बनाया हूँ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहता है। मैं स्कूल में स्पीच देता हूँ इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो प्रैक्टिस करके ही जाता हूँ, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होती। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। जिसने पब्लिक स्पीकिंग स्किल किया उसको देख लीजिए, वो बहुत ही डेवलपमेंट होता है, उसका माइंड शार्प हो जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, हर चीज वो सीख जाता है। पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद वे लोगों से बातचीत करता है, और जो लोगों से बातचीत करता है तो मिलजुल कर रखता है, और मिलजुल के रहने के बाद वे लोगों से रिलेट हो जाता है, और रिलेट होने के बाद दुनिया उससे जुड़ती चली जाती है, और आखिरकार वह ग्रो भी करता है। तो बहुत जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। देखिए, आपको अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट करना होगा पब्लिक स्पीकिंग स्किल। ये एक बहुत अच्छी आर्ट है, कला है। हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि ये 4 स्किल आपके लिए बहुत जरूरी होगी, उसमें ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल का भी जिक्र किया था। तो मैंने भी आज समझा कि नहीं, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों से बातचीत करना नहीं सीखते हैं, तो हमें भी जरूरी है स्टेज में जाने से ना डरे, बिल्कुल जाके बोले बहुत जरूरी है। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हमारा लाइफ भी, और हम आगे ग्रो करेंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो कैसी बनी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें।